ಹೆಸರು ಆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು? ಇದು ಬಿಲ್ಲ ಮರ ಮರ ಚಲೇಗೆ ಬಾಯಿ ಯಾಕೆ इसमें जब आपको कोई गाइड वाइड नहीं कर रहे हैं पहले जानकारी आपको हम फ्री दे रहे थे उसके आपकी मर्जी हो ये जनाब आपका टिकट जो है बड़े इमामबाड़े से लाए हो ये छोटे इमामबाड़े की टिकट है शाही इमाम का टिकट मगर इमामबाड़े की टिकट नहीं है क्योंकि दरगाह और मंदिर या गुरुद्वारे कोई टिकट नहीं होता जनाब इमामबाड़े में आप खुद जाएंगे चप्पल जूता शूज उतार के इमामबाड़े कोई टिकट वगैरह नहीं होता है ये टिकट शाही इमाम जो है बादशाह नहाने गुसल खाना जनाब इसमें कैसे पानी गर्म करते थे कैसे ठंडा करते थे उसमें शाही इमाम पूरा बताएंगे और साइड बनाए कुआँ वो कुआँ दिखाएंगे और पूरे इमामबाड़े जानते बताएंगे पूरा इमामबाड़ा समझाएंगे बताएंगे तो यहाँ पर गाइड रेट नहीं है जनाब पूरा समझाएंगे जो आप लोग खुश हुए नाम देंगे वो देंगे यहाँ गाइड रेट कुछ नहीं है आप कहिए आप लोग जनाब फिर समझाते आपको यहाँ पर फोटो हर जगह कोई दिक्कत नहीं नहीं कोई दिक्कत तो ये तभी की बनी हुई है और जो लेडीज के चंद्र खड़ी हुई है इधर भी बैक साइड भी है जैसे आज की बिल्डिंग को लोहा लगता हो कॉपर लगता है बिजली का असर न करे तो ये उस जमाने का अर्थिंग सिस्टम है जितनी अर्थ होती है उतनी नीचे कंट्रोल होती है बिल्डिंग को नुकसान नहीं होने देता है इसलिए बोलते हैं अर्थिंग सिस्टम ये सामने मस्जिद नमाज पढ़ने की है सामने वाइट बिल्डिंग बनी हुई है याली इसको बोलते हैं मकबरा और आने वाली टूर बोलते हैं ताजमहल कॉपी इसमें बादशाह की बेटी कब्र है नसीम मानो की 11 साल उनकी बेटी ने नसीम मानो का नाम था इसमें उनकी बेटी एक कब्र है वैक्सीन मस्जिद बनी पिछले ये जामा मस्जिद है एक दिल्ली की जामा मस्जिद है एक लखनऊ जामा मस्जिद ही है ऊपर एक गुंबद देखने नहीं है ये पूरी पहले चांदी वगैरह की होती थी अभी पीतल की है अंदर इमाम बाड़े में जाओगे वहाँ इमाम हुसैन का ताजिया रखा हुआ है वहाँ कोई घूमने जगह नहीं है वहाँ चप्पल उतार के दरगाह पे आप लोग खुद चप्पल उतार के खुद जाएंगे जगह देवी दीवार कहीं भी नहीं मूर्ति स्टैंड पहले इसमें लाइट वगैरह होती नहीं थी तो पहले से वो मूर्ति स्टैंड लगाते थे पूरे में सब तरफ ये पूरा कैंडली स्टैंड है जैसे दिवाली वगैरह शब बारात देखा रमज़ान मोहर्रम वगैरह लाइट वाइट नहीं होती थी तो पहले वो मूर्ति स्टैंड करते थे ये दो टाइम अभी भी करते हैं एक दिवाली एक शब बारात दिवाली क्यों करते दिवाली से अली का नाम आता है यानी दी व अली फिर दिवाली में होता है शब बारात भी होता है मंगलवार से होता है और गुरु मनी से गुरु में होते कनीज वगैरह के कनीज समझे आप दासी सर्वेंट जो मैंने दासी करा वो हिंदू दासी थी तो उनके लिए वो तुलसी लगाई थी तुलसी के पौधे कर सके तो घर तुलसी का पता नहीं अब हटा दी गए तुलसी हटा दी बादशाह नवाब को नहाने का गुस्सा लगाना हुआ
जैसे मिक्सिंग मशीन ब्रांड रोमानी सिस्टम में आता है, ये क्या पूरा चांदी का था सिस्टम से वो सब चीज़ें सिस्टम थे, यहाँ बादशाह नहाते थे और नहाने वाले के शॉवर बनाए पहले ज़माने का। वन टू थ्री फोर ये पहले ज़माने का शॉवर है, वहाँ से नहाने की बात किया बीच में पड़ोगे शॉवर से नहाते थे और जितने यहाँ पानी भरता था कि नाली बनी सारा पानी यहाँ से बाहर निकल जाता था और यहाँ से नहाने के बाद वो कपड़ा चेंज करने का उनका ड्रेसिंग रूम हुआ करता था वाला समझ लेना। ठंडी तो उतनी थी तो पानी गर्म कैसे करते थे ठंडा कैसे करते थे, एक टब पीतल का हुआ करता था, एक टब चांदी का, एक टब गोल्ड का। आप बताइए पानी किस में गर्म करेंगे? तांबा नहीं, पीतल होगा, पीतल चांदी गोल्ड पानी में मरते थे पीतल, जो भाई ने बताया अगर सोनी चांद का तो सोना पिघल जाएगा और चांदी ही पिघल जाएगा। इसके नीचे कोला ले आके पीतल में लगा देते थे और लगाने इसके नीचे तहखाना बना ना, इसके नीचे कोला ले आके पीतल में लगा देते थे और लगाने पर पीतल पर हीट मारता था गर्म होता था, तो पीतल में पहले ज़माने में पानी गर्म करते थे और चांदी भी ठंडा करते थे, चांदी ठंडी रहती है। गोल्ड सिर्फ शो के लिए बनाता, तो ये सिर्फ इतना बड़ा सा उनका गुस्सा खाना है सिर्फ नहाने के लिए। बोलते हैं सिकंदरा आगरा जो गुजरे वो मुगल बादशाह बोलते हैं और ये बादशाह शिया बादशाह थे, इराक के रहने वाले थे, तो इन्हें इमामबाड़े और मस्जिद की इजाजत मिल रही है। छोटा इमामबाड़ा बोलते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, बड़ा इमामबाड़ा बोलते हैं हसन की आपका, ये सिर्फ इमामबाड़ा माता मलिक के बनाया था। शिया लोग यहाँ पे इमाम हुसैन का शोक मना सके दम मना सके, ये टूरिस्ट के लिए नहीं, टूरिस्ट के लिए बना दिया गया। बड़ा इमामबाड़ा हसन का, छोटा इमामबाड़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, ये छोटे भाई का वो बड़े भाई का। आप घर बनाओ, घर बनने से पहले कुआं पानी बंदोबस्त करेंगे, तो वैसे ही यहाँ पे बिल्डिंग का पहले ही रूल हुआ था, सबसे पहले यहाँ पे कुआं बनाया गया, बाद में आके बिल्डिंग काम चला है, उसका पानी घूमती से आता था और इसमें भी पानी घूमती से आता था, तो इसमें उनकी माँ उनकी बेटी पहले बजू यहाँ से होता था, अब बजू का वही सिस्टम बन गया क्योंकि वो भी कुआं सूख गया तो ये भी कुआं सूख गया है। और ये उस ज़माने का स्टोर रूम है, वाइट बिल्डिंग भी बना हुआ है, ये ज़माने का स्टोर रूम है, इसमें डेगची रखते हैं, देखिए समझे आप, इसमें बिरयानी वगैरह बनती है बड़ी वाली, तो इसमें डेगे रखी हैं, तो यह सिर्फ रमजान के में और मुहर्रम का नहीं चलती है, बाकी बिल्डिंग बन रहती है। ठंडा पानी आप लोग पीना, किसी को ठंडे पानी जरा मशीन लगी है मस्जिद के पास ठंडे पानी का, किसी को आप